हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अर्जुन। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्केचिंग के बारे में। मैं आपको बताऊंगा स्केचिंग के थोड़े टिप्स और उसी स्केचिंग के अंदर हम करेंगे वाटर कलर। मैं अपने साथ साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और एक छोटी सी करेंगे डेमो जिसमें आप सीखेंगे वाटर कलर करना किसी फिगर के अंदर या फिर किसी पोर्ट्रेट के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो शीट मैं यूज़ कर रहा हूँ, पेपर जो मैंने रखा हुआ है, ये न्यूज़ प्रिंट शीट है, बिल्कुल हल्का पेपर जिसको आप बोलते हैं, फोटो स्टेट जिसके ऊपर निकलती है वही पेपर है। ये जो पेन यूज़ कर रहा हूँ मैं, ये मार्कर पेन है जो कि वाटरप्रूफ है। तो इसके साथ ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मैं, ये सामने ड्राइंग कर रहा हूँ और उसके अंदर हम फिल करेंगे वाटर कलर। और पहले बात आती है स्केचिंग की। स्केचिंग आपने जितनी प्रैक्टिस की है, जितने आप स्केचेस करते हैं, फिगर स्केचिंग, पोर्ट्रेट स्केचिंग और जिस जो चीज़ें आप सीखते हैं उसमें इम्प्रूव करते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आके इकट्ठी हो जाती हैं। जब आप कोई कलरिंग करते हैं तब आपकी जो स्टडी है वो वहाँ पे टिकी हुई है। जितना आपने लाइट एंड शेड सीखा है, टोन सीखी है, वो कलरिंग में इस्तेमाल होती है। और यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रोक से काम करना या फिर लिमिटेड लाइन के साथ जो स्केच है वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब तक आपने कोई प्रैक्टिस नहीं की, जब तक आपने पेंसिल से स्केचिंग नहीं की या फिर आपकी लाइन जो है वो नहीं दिखती, ठीक है, आप डर डर के जो काम करते हो, पेंसिल को छोड़ छोड़ के उसकी लाइन्स चलाते हो, तब आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो कहीं ना कहीं वहीं पे रह जाती है जो आपने प्रैक्टिस नहीं की। और प्रैक्टिस के बाद जब आप कोई भी चीज़ करते हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आपके काम में वो दिखता है, फ्रीडम दिखती है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जो स्केचिंग आप पेंसिल से करते हैं वहाँ पे आपको दिक्कत ये आती है कि आपकी बहुत सारी लाइंस होती हैं, कलर करते समय आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स पैदा करती हैं। यहाँ पे पेन से मैं बहुत लिमिटेड लाइन से स्केच बना रहा हूँ, ठीक है। उसके नीचे आप अगर स्टार्टिंग में है, आपको नहीं है, तो आप पेंसिल स्केचिंग करो, उसके बाद आप पेन से कर सकते हैं और उस पेंसिल को आप हल्का करने के लिए इरेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पहले से कोई ड्राइंग नहीं की हुई, मैं ऐसे ही रफ स्केच बना रहा हूँ। तो इस तरीके से आप एक स्केच ट्राई करो और लिमिटेड शेडिंग रखो उसमें, जैसे मैंने रेंडरिंग की हुई है यहाँ पे अभी कर रहा हूँ। ये चीज़ क्या है, आपको एक स्केच का एक आइडिया दे देती है कि कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है या फिर टोन्स आप कौन सी फिल कर रहे हैं या फिर वहाँ पे डार्कनेस है, जहाँ पे हाईलाइट है, वो सारी चीज़ें आपके माइंड में आ जाती हैं। मतलब आप उसके बाद कोई भी आप कलरिंग करते हैं, शेडिंग करते हैं या फिर कुछ भी चारकोल वगैरह करते हैं, तो आपको वो चीज़ें हाईलाइट होती रहती है माइंड में भी कहाँ पे क्या कर रहे हैं। रेफरेंस देखने की ज़रूरत भी नहीं होती, आपके मतलब काम में वो चीज़ आनी स्टार्ट हो जाती है कि आप इमेजिनरी कर सकते हैं। और अभी मैं जो वाटर कलर कर रहा हूँ यहाँ पे, देखो कोई ज़्यादा आर्टिस्टिक कलर यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल स्टूडेंट कलर है जो आप देख रहे हैं, लिमिटेड कलर्स हैं, इसमें कोई ज़्यादा शेड्स नहीं है। आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा कलर कॉस्टली लेने की या फिर बहुत अच्छे ब्रशेस लेने की ये ज़रूरत नहीं है, माइंड से ये चीज़ निकाल दो कि आपके बहुत अच्छा मटेरियल ही अच्छा काम करेगा। आप बहुत नॉर्मल जो मटेरियल आता है, स्टूडेंट कलर्स आते हैं या फिर लिमिटेड शेड्स आते हैं, उसी से ही आप काम कर सकते हैं और उसमें स्टडी भी बहुत हो जाती है आपकी, कि आपके पास बहुत कम चीज़ें हैं, कम साधन है आपके पास काम करने के लिए, कम कलर है, तो आप कोई भी एक्स्ट्रा शेड बनाने के लिए वो काम करोगे, मतलब कलर्स मिक्स करोगे, उसको बनाने की कोशिश करोगे, तो वो आपकी स्टडी में इम्प्रूवमेंट लाता है। जो चीज़ आपके साथ बहुत अच्छी है, आपके पास शीट बहुत अच्छे हैं, आपके पास ब्रशेस बहुत अच्छे हैं, लेकिन वहाँ पे उनको वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप कोई रफ स्टडी नहीं करते। आपकी स्केचिंग बहुत वीक है, आपको स्टडी नहीं है, पोर्ट्रेट की नहीं है, लाइट एंड शेड्स का नहीं है, तो अच्छा मटेरियल वहाँ पे काम नहीं करता। आपको कलर्स स्टडी करना है, आपकी क्वांटिटी कितनी है काम करने की, आप स्केचिंग दिन में कितनी करते हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके पूरे काम में मतलब एक कंपोजिशन की तरह काम करते हैं। जैसे अभी वाटर कलर है या फिर ऑयल्स है या फिर एक्रेलिक कलर है, हम सोच तो लेते हैं कि हमने वाटर कलर कर लिया तो एक्रेलिक करनी है, एक्रेलिक के बाद हमने ऑयल्स करने हैं, लेकिन चीज़ वहीं पे अटकी रहती है जो हमारा बेसिक है, लाइट एंड शेड, टोन्स, ड्राइंग्स,
ये सारी चीज़ें जब तक हम क्लियर नहीं करते तब तक हमें कलरिंग भी नहीं आती, क्योंकि कलर आप जब तक उसकी वैल्यू नहीं समझते, कलर्स को प्रॉपर आप तरीके से स्टडी नहीं करते, तब तक आपका कोई वाटर कलर सीन या फिर लैंडस्केप पेंटिंग वो चीज़ इतनी निखर के नहीं आएगी। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपकी जो क्वांटिटी है वहाँ पे काम करती है जब आप स्टडी कर रहे हैं। क्वांटिटी मेरे कहने का मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप 100 स्केचेस बनाओ दिन में, आप 200 वाटर कलर करो, ऐसा कुछ नहीं है। स्टडी मतलब अगर आपने एक दिन में एक स्केच बनाया है तो उस स्केच में आप सीख क्या रहे हैं, आप उन चीज़ों को ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं। अगर हमने आप पोर्ट्रेट स्टार्ट किया है तो आप अगर लगातार काम कर रहे हैं, आपके पास टाइम है, आप फ्री टाइम है, बैठे हैं और काम कर रहे हैं, उस पोर्ट्रेट में आपने क्या सीखा है। मतलब हर एक पोर्ट्रेट में या फिर हर एक फिगर में, टोन्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप लाइट एंड शेड सीखते हैं, टोन सीखते हैं, कलर्स की वैल्यू सीखते हैं। आप एक ही तरह का कलर्स हर एक पोर्ट्रेट में नहीं लगा सकते, आपको बहुत सारे कलर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। जैसा आपका नज़रिया है वो सारी चीज़ें आपको दिखनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे कई बार हम पोर्ट्रेट को स्किन कलर का नाम देते हैं कि ये स्किन कलर, लेकिन स्किन कलर्स में कितने सारे और ज़्यादा कलर्स मिक्स हो रखे हैं, और ज़्यादा टोन्स फिल हो रखी हैं, ठीक है। वो ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे स्किन कलर में ग्रीनिश दिख रहा है तो आपको ग्रीन टोन ही देनी है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ग्रीन मिक्स करना है, यहाँ पे येलो मिक्स करना है, तो ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं होती। जैसे कोई भी चीज़ बनाते हैं, आपकी क्वांटिटी क्या है। अगर मैं बोल दूं कि ऑरेंज में आप ग्रीन डालो, उसके बाद थोड़ा सा आप क्रिम्सन कलर डाल लो, थोड़ा स्किन कलर ऐसा हो जाएगा, तो वैसा आपको बनेगा नहीं। मेरे कहने से आपको वो चीज़ समझ नहीं आएगी। आपका नज़रिया आपको बताएगा कि आपको किस कलर्स की ज़रूरत है, किस वैल्यू की ज़रूरत है और कौन सा कलर वहाँ पे फिट होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी ऑब्जर्वेशन पे टिकी होती है, आप कितना चीज़ों को देखकर समझते हैं। अभी जो मेरे पास रेफरेंस है मैं उसको देख के नहीं कर रहा, हल्का सा वो आइडिया लिया है कि आपके जो माइंड में चीज़ें चल रही हैं कि मैं कहाँ से देख रहा हूँ, क्या चीज़ हो रही है, तो वहाँ पे आपको बाउंड होने की ज़रूरत नहीं है कि आपकी जो रेफरेंस है वो क्या चीज़ है। वहाँ पे बहुत ही डल कलर दिख रहे हैं, बहुत ही ऑरेंजिश और बिल्कुल हल्का सा ग्रीनिश दिख रहा है, तो मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा टोन रख रहा हूँ। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि मैं उसको क्या कलर दे रहा हूँ, क्या चीज़ स्टडी कर रहा हूँ उसमें, क्या चीज़ हाईलाइट हो सकती है। जैसे आप कोई भी लैंडस्केप बनाते हो लाइव, तो उसमें ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत सारी चीज़ें वैसे कॉपी करो जो वहाँ पे फिट है। आप कंपोजिशन में वो सारी चीज़ें रखते हो जो आपको ज़रूरत है, जो हाइलाइट्स है, जो बहुत अच्छा बन सकता है। जैसे कोई निखर के कोई चीज़ आ रही है, जो चीज़ आपकी वहाँ पे कंपोजिशन में फिट नहीं बैठती तो आप उसको हटा देते हैं। लैंडस्केप में जो चीज़ें हम कंपोज करते हैं वहाँ पे फिट रखते हैं, तो वो लाइव में भी हम कहीं ना कहीं इधर उधर करते हैं कि जो हमारी कंपोजिशन है उसके हिसाब से फिट हो जाए, हमारे फ्रेम में फिट हो जाए। तो वही सारी चीज़ें एक पोर्ट्रेट में, एक फिगर में या फिगरेटिव कंपोजिशन में भी होती हैं। जो चीज़ें कलर कॉम्बिनेशन होता है कि कौन सा कलर कहाँ पे उसको मैच कर रहा है, कौन से उसको कलर हम दे सकते हैं हाईलाइट देने के लिए कर सकते हैं, तो ये बहुत सारी स्टडीज़ है जो आपकी ऑब्जर्वेशन बताती है आपको कि आप क्या कर रहे हैं। स्टडी ये है कि आप चीज़ों को देखते कितना है, समझते कितना है। मैं आपको कलर टोन्स बता दूँ यहाँ पे कि ये कलर मैं यूज़ कर रहा हूँ। जैसे ये मेरे पास पेंसिल है, ये मेरे पास पेज है, ये करोगे तो वो हो जाएगा, ऐसा मिक्स करोगे तो वो हो जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। देखो कोई भी चीज़ है, अगर मैं आपको बताऊँ कि चाय बनाते हैं तो चाय में आप चीनी डालते हैं, चाय पत्ती डालते हैं, दूध डालते हैं या फिर सौंफ ये वो बाकी की चीज़ें डालते हैं, लौंग इलायची डालते हैं, वो मैं आपको बता दूँ। अगर आपको चाय का टेस्ट नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि बन के वो क्या चीज़ बन जाएगी, टेस्ट कैसा आएगा, तो तब तक आप हो सकता है आप चीनी डालो, सेम टू सेम उसमें चाय पत्ती डाल दो कि हाँ 2 चम्मच चीनी है, 2 चम्मच इसमें ये डाल दो, तो वैसा नहीं होता। आप उस चीज़ को चखते हो तभी आपको पता चलता है कि हाँ इसमें सौंफ इतनी डल सकती है, लौंग इलायची इतनी डल सकती है इसमें, और दूध इतना डलेगा। वो टेस्ट के हिसाब से वैसी कंपोजिशन होती है, कोई पेंटिंग होती है। आपको जो कलरिंग है ये आपको ऐसे कोई नहीं सिखा सकता कि ये चार्ट है मेरे पास, इसमें ये डालो ये डालो ये बन गया। आपको ग्रीन कितना चाहिए,
आपको रेडिश स्किन टोन कितनी चाहिए, आपको ऑरेंज कितनी चाहिए, पोर्ट्रेट पे कौन सी लाइट आ रही है, शार्प आ रही है, डे लाइट आ रही है, या फिर कोई येलो टोन्स आ रही है, ब्लू आ रही है, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर है, आपके माइंड के ऊपर है कि आप क्या देख रहे हैं। जो आप देख रहे हैं वैसे कलर्स आपकी पैलेट पे अपने आप बनते जा रहे हैं जब आप स्टडी कर रहे हैं। तो ये छोटी सी एक डेमो थी जो मैं आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर की और छोटी सी डेमो की है। होप सो ये वीडियो और मेरी बातें थोड़ी सी काम आएंगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।